हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएन संधि डायोड क्या होता है। हमने आपको इससे पिछले वीडियो में पढ़ाया था पी टाइप अर्धचालक होता है, एन टाइप अर्धचालक होता है। तो आपने भैया पीएन संधि का मतलब क्या होता है, जुड़ना, और डायोड माने जिसमें दो इलेक्ट्रोड हो। तो आप कैसे लिखेंगे जरा सुनिए, जब एक पी टाइप और एक एन टाइप के अर्धचालक को या क्रिस्टल को, जब एक पी टाइप और एक एन टाइप के क्रिस्टल को आपस में विशेष विधि द्वारा जोड़ देते हैं, मेरे साथ में बोलिए, जब एक पी टाइप और एन टाइप के क्रिस्टल को आपस में एक विशेष विधि के द्वारा जोड़ देते हैं, तब बने इस डायोड को पीएन संधि डायोड कहते हैं। कुछ ऐसे, भैया ये देखिए, ये तो त्रिभुज है, ये इसे दिखाते हैं, पी को दिखाते हैं त्रिभुज से, और इसके आगे लाइन खींच देते, ये हो गया एन, ठीक है, त्रिभुज के आगे एक लाइन खींच दी, तो ये है पी एन, और ये ऐसे करके बना दिया, तो ये पीएन संधि डायोड का प्रतीक है। क्या है, पी एन, त्रिभुज माने क्या है पी, और लाइन का मतलब क्या है एन, ये है पीएन संधि डायोड। बोलिए, जब एक पी टाइप के क्रिस्टल को एन टाइप के क्रिस्टल के साथ एक विशेष विधि के द्वारा मिला के रखते हैं, तब उसे कहते हैं पीएन संधि डायोड। क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड। ये बात आपकी समझ में आ गई। भैया जरा सुनिए, ये मान लिया पी है और ये मान लिया एन है, तो जहां पर ये जुड़ रहे हैं, ये देखिए, ये इसे कहते हैं संधि। क्या कहते हैं, संधि। एक परिभाषा पूछी जाती, अवक्षय परत क्या होता है और विभव प्राचीर क्या होता है, ये दो परिभाषाएं सर आपको पता होनी चाहिए। तो हमने आपको पीएन संधि डायोड तो बताया, अब अवक्षय परत क्या होती है, सुनिए, ये P है, अभी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था P वाले में होल होते हैं, कौन होते हैं, होल, N वाले में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तभी तो जैन टाइप कहलाता, बता चुके हैं। लेकिन जहां पे संधि बनेगी उसके पास में एक परत बन जाएगी जिसमें ना तो होल होंगे और ना इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी को हम लोग कहेंगे अवक्षय परत। क्या कहेंगे, अवक्षय परत। मेरे साथ में बोलिए, बोलो, किसी पीएन संधि के, किसी पीएन संधि के चारों ओर की वह परत, किसी पीएन संधि के चारों ओर की वह परत जिसमें आवेश वाहक नहीं होते, जिसमें चलनशील आवेश, मतलब चलते हुए इधर से उधर जाने वाले नहीं, जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं होते, आवेश वाहक का मतलब ना तो इसमें होल होते हैं चलते हुए और ना इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोलिए, किसी ऐसे आप लिख भी सकते हैं, अवक्षय परत क्या होती है, किसी पीएन संधि के चारों ओर की वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं होते, अवक्षय परत कहलाती है, तथा इस परत के चारों ओर एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग विभव प्राचीर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्राचीर, ठीक है। तो हमने आपको इसमें टॉपिक में क्या बता दिया कि पीएन संधि डायोड क्या होता है, जब एक पी टाइप के क्रिस्टल को एन टाइप के क्रिस्टल से मिला के रखते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं पीएन संधि डायोड, ठीक है। पीएन संधि डायोड, जब पीएन संधि बनती है तो उसके चारों ओर की वो परत जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं होते उसे अवक्षय परत कहते हैं, ठीक है सर, और उसके चारों तरफ जो विभव उत्पन्न हो जाता है उसे कहते हैं विभव प्राचीर। क्या कहते हैं, विभव प्राचीर। क्या कहते हैं, विभव प्राचीर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब आपको एक और तरीका बता दिया, देखिए ये क्या है, पी है, अभी बताया, ये क्या है, एन है, बताइए, पी माने प्लस और एन माने माइनस, ठीक। पीएन संधि डायोड दो तरीके से काम करता है, एक अग्र अभिनत और एक उत्क्रम अभिनत। ये भी आपको इसी वीडियो में हम बता देते हैं कि अग्र अभिनत क्या होता है और उत्क्रम अभिनत क्या होता है। किसी ने कहा पीएन संधि जो है उसे अग्र अभिनत में बनाओ, तो बताओ ये कौन है, प्लस। भैया जब प्लस वाले को प्लस से और माइनस वाले को माइनस से जोड़ देते हैं, ये देखो ये बैटरी बनाई, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, प्लस वाले को प्लस से माइनस वाले को माइनस से जोड़ देते हैं तब उसे कहते हैं अग्र अभिनत। क्या कहते हैं, अग्र अभिनत। और जब उल्टा करेंगे, मान लिया प्लस वाला इसे माइनस से जोड़ दिया और माइनस वाले को प्लस से जोड़ दिया, माइनस वाले को प्लस से, तब इसे कहते हैं उत्क्रम अभिनत। यानी पीएन संधि डायोड दो तरीके से, दो बायसिंग में काम करता है, दो तरीके से, एक अग्र अभिनत एक उत्क्रम अभिनत। अग्र अभिनत क्या होता है, जब प्लस वाले को प्लस से माइनस वाले को माइनस से जोड़ देते हैं तो इसे अग्र अभिनत कहते हैं। उत्क्रम अभिनत क्या होता है, जब उल्टा प्लस वाले को माइनस से और माइनस वाले को प्लस से जोड़ देते हैं तो इसे उत्क्रम अभिनत कहते हैं। ये नहीं आता है सर, पेपर में आता है पीएन संधि डायोड को आप अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे या पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में आप कैसे प्रयोग करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है,
उसके अगले क्लास में बताएंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। फिलहाल इस क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।